So, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रमेंट्री सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। ब्लड इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्ट कौन सा है, लिक्विड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा किसको कहते हैं, सीरम किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ब्लड में क्या क्या एलिमेंट्स है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सेल्स के बारे में पढ़ा था, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC में HB है और आयरन है, ठीक है, और उसके ऊपर ऑक्सीजन, ये इसका स्टेप है। WBC में आपको 5 टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगे। प्लेटलेट जो है आपको क्लॉटिंग में मदद करेगा। तो ब्लड के बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रमेंट्री सिस्टम, और ये मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो गया है आपका, यानी अब हम बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है। बॉडी बॉडी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक चीजों को खोल के डिस्कस करेंगे, मतलब बॉडी के एक एक लेवल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक लेवल के बाद सेकेंड लेवल ओपन, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसा। तो पहला लेवल है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है आपके बॉडी की कवरिंग को कहते हैं, वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो आपके बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम अपने बॉडी को ढकते हैं क्लोथ्स, कपड़े पहन के, इसी तरह बॉडी के पार्ट्स को ढकने के लिए एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं स्किन, और दूसरे भी इसके रिलेटेड ऑर्गन्स है स्किन के अलावा जो हमें हेल्प करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, ठीक है। बाहर के जो नुकसान देने वाली चीजें हैं उससे बचाने के लिए आपको स्किन हेल्प करता है। स्किन के अलावा और कौन सी चीजें आपको, एक तो स्किन है, इसके अलावा स्किन के ऊपर हेयर होता है, ये भी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। इसके अलावा आपको नेल्स है, ये भी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है, ठीक है। और सिबेशियस ग्लैंड जो पसीना निकालता है, ताकि स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया, जो भी गंदगी, जो भी नुकसान देने वाली चीजें हैं उसको पसीना क्या करता है, एवापोरेट कर बाहर निकाल देता है इजी से, इजीली, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है। आइए एक नजर हम और इन सब चीजों को डिफरेंटली हम देखने की कोशिश करेंगे। अरे 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 यहाँ पे अच्छे से दिया गया ये मेनू, ठीक है, ये आपको दिख रहा। तो ये है इंटीग्रमेंट्री सिस्टम। इंटीग्रमेंट्री सिस्टम में इंटीग्रमेंट्री सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स है, आप देख सकते हैं ये स्किन है, ठीक है। जब स्किन को एक पीस में, एक केक की तरह अगर काट के लाया गया, अब केक देखिए आप, बाहर से दिखने में सिर्फ क्रीम दिखता है, जब उसको पीसेस करेंगे हम लोग, एक पीस लाके देखेंगे, उसके लेयर्स देखेंगे, अंदर से एक लेयर होगा ऊपर क्रीम का, अंदर चॉकलेट का, फिर ब्रेड का, फिर नीचे कुछ और का। तो इसी तरह हमारे स्किन को इस तरह केक की तरह काटा गया, एक पीस ऑफ केक की तरह रखा गया है अंदर, ठीक है, रख के दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है। बाहर से दिखने में स्किन दिख रहा है, कुछ भी नजर नहीं है, लेकिन जब इसको ऐसा क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके इसका डब्बा बाहर निकालेंगे,
पीस निकालेंगे तो ये पूरी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या है देखिए यहाँ पे, ये हेयर है, ये आपका स्किन है, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे है चीजें, ठीक है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए फिलहाल तो, लेकिन मैं बता देता हूँ बस जानकारी के लिए, ठीक है। ये स्किन के, फिर स्किन का जो हम निकालेंगे स्किन के, उसके लेयर्स होंगे, ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं। ये है एपिडर्मिस, ये जो फर्स्ट लेयर दिख रहा है तो इसको कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे वाले में है डर्मिस, ठीक है, और एक लेयर है सबक्यूटेनियस, यानी स्किन के निचले वाला हिस्सा, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है हमें ज्यादा उसमें कोई भी चीज नहीं रहती है। डर्मिस में आपको जो हेयर है, हेयर की बॉडी यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है, और थोड़े रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टार्स का मतलब है रिसीव करने वाले, जैसे आप दरवाजे पे आ गए तो आपको क्या करेंगे, कुछ रिसीव करने वाले होटल्स के पास मिलेंगे, सर आपको उसी रूम में जाना चाहते हैं, मैडम आपको उसी रूम में रहना चाहते हैं, तो आपको रिसीव करेंगे, रिसीवर्स। तो इसी तरह हमारे स्किन के ऊपर भी रिसेप्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने टच किया, वो इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, लेके जाके किसको देना है, उनका काम है जिसको देना है उसी को देंगे, देकर फिर वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर। तो इंफॉर्मेशन को मेन सिस्टम तक पहुंचाने के लिए ये रिसेप्टार्स होते हैं, तो वो रिसेप्टार्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, डर्मिस में मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने छुआ, छूने के साथ इस फौरन ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टार्स लेकर किसको देंगे, नर्व्स को देंगे, रगों को देंगे, वो रगे उसको दिमाग के उस हिस्से पर लेके जाएंगे जिससे हमको महसूस होगा, ठीक है, महसूस तो हम यहाँ पे करते हैं लेकिन उसको असल महसूस करने वाला ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस है, डर्मिस में आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे, सबक्यूटेनियस में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे चर्बी मिलेगी जिसको फैट कहते हैं, जो भी मोटे लोग होते हैं उनको यहाँ पे आके चर्बी जमा हो जाता है, ठीक है, और वहां पे रगे भी होती हैं, खून की नालियां ब्लड वेजल्स होती हैं, तो यहाँ पे अगर किसी का इस हिस्सा कट जाएगा तो खून नहीं आएगा, दूसरा हिस्सा कटेगा तो दर्द होगा, क्यों, यहाँ पे रिसेप्टार से सेंस करने वाले, दर्द को महसूस करने वाले, टेम्परेचर को महसूस करने वाले, कोल्डनेस को महसूस करने वाले, ये रिसेप्टार्स है। तो इन लोग बाहर का जो भी इंफॉर्मेशन है, गर्म है, ठंडी है, सर्दी है, ठीक है, कुछ भी दर्द है, तो ये सब चीजों को महसूस करेंगे ये लोग, महसूस करके रगों को देखेंगे, उतना पेन नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत पेन तो होगा। जब आपका ये हिस्सा बहुत ज्यादा कट जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, सबक्यूटेनियस लेयर तक कटेंगे, तो वहां पे आपको रगे होंगी, तो रगे करने से बहुत ज्यादा दर्द होगा, उनकी नालियां अगर कट गए तो और ज्यादा दर्द भी होगा और साथों साथ खून भी आएगा, अगर फैट वहां पे था तो आपको वहां से पानी की तरह निकलेगा, ठीक है, क्योंकि फैट लिक्विड की तरह होता है, ज्यादा अगर बढ़ जाए तो वो फैट महसूस होता है, ऑयल ऑयल कुछ जिस तरह देखते हैं हम उस तरह होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, और इसी तरह नेल्स, नेल्स में देखिए नेल हमारे प्रोटेक्टिंग है ताकि कोई भी चीज यहाँ पे ना आए, और इससे हम लोग इसको इस्तेमाल करें पकड़ने में, जब हम हाथ पकड़ते हैं अगर नेल्स ना हो तो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है, सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें नेल्स मिले, और इसी तरह बहुत सारी चीजें, 3 चीजें, 2 चीजें तो कॉमन है, स्किन है गया, हेयर हो गया और नेल्स हो गया, और आपके सेबेशियस ग्लैंड, यहाँ देखिए सेबेशियस ग्लैंड यहाँ पे है, ठीक है, ये ग्लैंड जो है सेबेशियस ग्लैंड, ये दिख रहा है, ठीक है, ये ग्लैंड जो है ये सेबेशियस, थोड़ा वायलेट कलर उसका कलर है, और हिसाब से देखिए यहाँ पे देखिए सेबेशियस ग्लैंड है, इसमें आपको क्या निकलता है, इस पे पसीना निकलता है, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा किताब के इसमें से डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें इसमें दिए गई। द इंटीग्रमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्किन,
विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अल्टरेशन इन द स्किन विल अफेक्ट द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल. द स्किन इज हाईली अंडरस्टिमेट ऑर्गन. इट परफॉर्म्स मेनी वाइटल फंक्शंस. हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच मोस्ट पीपुल आर अनअवेयर ऑफ. दिस यूनिट प्रोवाइड्स अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन स्किन विच इज एसेंशियल टू एक्यूरेट पेशेंट असेसमेंट. तो बहरहाल स्किन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि पूरे बॉडी को कवर करके रखा है इसने. हर एक से कनेक्शन है स्किन का. ठीक है, तो ये स्किन के बारे में था. ये आपको ड्रॉ करना होगा क्योंकि ठीक है, तो ही इजीली आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये देखिए, ये आप स्किन का लेयर है. अगर स्किन को एक केक की तरह रखा जाए, मैंने बताया था, ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस. एपिडर्मिस में सिर्फ फिर दो लेयर्स है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस याद रखिए. फिर डर्मिस में एक लेयर है. जैसा जैसा ये लेयर, ये तो डेड रहेगा, ये ऊपर का डेड टिश्यू है, ठीक है, जैसा जैसा ये लेयर डैमेज होगा उसकी जगह ये लेगा, फिर ये लेयर फिर नया नया आएगा. यहाँ पे लेयर नया आएगा, तो ये डेड टिश्यू है मोस्ट. ऊपर का जो दिखेगा आपको, वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस उसके ऊपर होते रहते हैं 15 to 40 days मिनिमम. द स्किन इज एन ऑर्गन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट आर जॉइंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन सरफेस एरिया एंड वेट. इन एडल्ट्स द स्किन कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 2 square meters एंड वेट 4.5 to 5 kgs. इट रेंजेस इन थिकनेस अबाउट 0.5 to 4 mm डिपेंडिंग ऑन लोकेशन. द स्किन इज जस्ट नॉट ए सिंपल थिन कोट दैट कीप्स द बॉडी टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शंस. डर्मेटोलॉजी इज द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग स्किन डिसऑर्डर्स. सो बेसिकली स्किन के बारे में यहाँ पे बेसिक नॉलेज दी जा रही. स्किन क्या है? एक ऑर्गन इसलिए है वो, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ा ऑर्गन है. अब एक देखा जाए तो 2 मीटर के बराबर इसकी आपको देखने को मिलती है लंबाई. अगर वेट देखेंगे 4.5 से 5 किलो के दरमियान होता है एक एडल्ट, एक मैच्योर इंसान के पास 20 18 के बाद, या 18 इयर्स के बाद. और थिकनेस कितना है इसका? मोटापा 0.5 mm से 4 mm, ठीक है. अब एक एरिया के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा पतला होगा, यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे ज्यादा मोटा, ज्यादा जरूरत नहीं वहां पे पतला होगा, ठीक है. और जो लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम जो पढ़ाई कहते हैं उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं. जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चरली द स्किन कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल पार्ट. द आउटर थिन पोर्शन विच इज कंपोज्ड एपिथीलियम इज कॉल्ड एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज अटैच टू द इनर थिक कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड डर्मिस. बेनिथ द डर्मिस इज सबक्यूटेनियस लेयर. दिस लेयर आल्सो कॉल्ड द सुपरफिशियल फेशिया और हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यूज. फाइबर्स फ्रॉम द डर्मिस एक्सटेंड डाउन इन टू द सबक्यूटेनियस लेयर्स एंड एंकर द स्किन टू इट. द सबक्यूटेनियस लेयर इन टर्न अटैचेस टू अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑर्गन. सो वी हैव लेयर्स, 3 लेयर्स है. कितने? डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस. ये है एपिडर्मिस, ये है डर्मिस, ये सबक्यूटेनियस. ये एपिडर्मिस जो बना हुआ है, ये है, इसका नाम है, कौन सी सेल से बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू सेल से बना हुआ है. और ये इसको सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं, या फिर हाँ सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैट सब्सटेंस से बना हुआ है. ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? जी तो अब
काम क्या है, फंक्शंस, फंक्शन ऑफ द स्किन, बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्किन। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना और टेम्परेचर को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करना। ठीक है, जैसा कि आप ऐसे सर्द इलाके में चले जाओ तो आपका स्किन क्या करेगा, आपको गर्मी रखे, गर्म रखेगा, महसूस कराएगा कि आपको गर्मी की बहुत ज्यादा जरूरी। आप गर्म इलाके में चले जाओ, आपका स्किन ठंडा होगा, ज्यादा पसीने आएंगे आपको, ताकि आपकी बॉडी को कूल रखे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट और इनसाइड एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज क्या है, प्रोटेक्शन, बहुत सारे चीजों से प्रोटेक्शन करता है, जैसा कि आप चलते हैं, बैठते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। अगर स्किन ना होती तो हम क्या होते, गिर जाते तो डायरेक्ट अपने ऑर्गन को लगता, तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम देती है। और बाहर से अगर जो सन रेस गिरते हैं बॉडी पे, अगर कुछ हार्मफुल सन रेस होते हैं, जैसे यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, अगर उसकी ना होती तो डायरेक्ट ऑर्गन पे गिर के ऑर्गन डैमेज हो सकता था। ठीक है, तो ये पूरे प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी के। और सबसे मेन चीज स्किन का काम क्या, सेंस करना दर्द को, मैं बता, दर्द, ठंडक को, दर्द को, गर्मी को, पेन को, ये सब चीजों को क्या है, सेंस करना है। और प्रेशर को भी, दबाव को, सब टच को, क्यों हो रहा, क्योंकि रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स लेकर रगों को देते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्व्स को देते हैं, नर्व्स लेके जाकर ब्रेन में ऐसा एरिया है जहां पर आप सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और सेंस करने से क्या है, तो आपको सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के माने निकाल। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट या फिर पसीने के जरिए से चीजों को, जो यूजलेस है, उसको निकाला जाता है थोड़ा थोड़ा, और न्यूट्रिशन को स्टोर भी किया जाता है। मैंने बताया तीन लेयर्स है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लेयर में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है या फिर फैट है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जो स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस टिश्यू। अब ब्लड रिजर्वाइज, द डर्मिस ऑफ द स्किन हाउस एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी 8 to 10% ऑफ द टोटल ब्लड फ्लो इन रिजल्टिंग एडल्ट। इन मॉडरेट एक्सेस स्किन ब्लड फ्लो में इंक्रीज व्हिच हेल्प्स डिस्पाइट हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। हाउएवर स्किन ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड मोर ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट फ्रॉम टू कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। सो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो ज्यादा पसीना निकलेगा, ज्यादा पसीना निकलेगा तो ब्लड के अंदर जो हीट है वो हीट भी कम होगी, तो ब्लड को भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल या फिर हेल्प मिलता है स्किन से। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लेयर में टिश्यू है, फैट है। ठीक है, वो फैट जब कन्वर्ट होता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी है, सन रेज की जरूरी, धूप की, शुआओं की जरूरत है। जब धूप पड़ती है, जब हमारे बॉडी में, तो जब धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद वो फैट विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी को अगर देखकर कैल्शियम क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन होगा जो आप खाते। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन जब ही होगा कैल्शियम का, जब विटामिन डी होगा। विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो खाएंगे आप निकल जाएगा। तो विटामिन डी इसलिए जरूरी है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप धूप में बैठिए। अब कैल्शियम कई के लिए जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है आपके बोन्स के लिए, थायराइड के लिए, नर्व्स के लिए, रगों के लिए, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हार्ट के सही पंपिंग करने के लिए। तो जब हम धूप में नहीं बैठेंगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए रोजाना
15 से 20 मिनट तक हम धूप में बैठना चाहिए, मिनिमम वीकली 5 डेज, ठीक है। उससे दो बहुत सारे फायदे हैं, बोन्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्गनेस मिलता है, हार्ट को भी ताकत मिलती है, ये सब चीजें। सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन हजम नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो खा के क्या फायदा। तो आपको विटामिन डी की जरूरत है, ठीक है। अब हम डर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में, ये तो फंक्शंस ऑफ स्किन था, अब एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं इसमें, और डर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रमेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब एपिडर्मिस जो है, पहला लेयर जो है, उसमें एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है केराटिन। ये क्या करते हैं, अगर आप जैसा कि कोट पहनते हैं आप, बारिश का कोट, पानी आपके अंदर नहीं आता, कोट को लग के बाहर चले, इसी तरह का काम करते हैं ये, प्रोटेक्शन करते हैं, लिक्विड जैसी कोई चीज बाहर से अंदर ना आए। केराटिन क्या करते हैं, लिक्विड जैसी चीज कोई बाहर से अंदर ना आए, तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है हमें पानी से। तो पानी डाल लिया, ये पानी बह के चले जाता, बल्कि पानी अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ है हमारा, इस वजह से ये केराटिन सेल्स है, ठीक है। कौन बनाते हैं केराटिन सेल्स, केराटिनोसाइट्स। ये कहाँ पे होते हैं, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर। मेलानोसाइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलानोसाइट्स एक पिगमेंटेशन बनाता है, एक समझिए लिक्विड कोई भी चीज मतलब रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानिन। ये मेलानिन जो है ब्लैक कलर को बनाए रखने के लिए मदद करता है, ठीक है। जो लोग धूप में ज्यादा जाते हैं तो उनको क्या होता है, ये मेलानोसाइट्स एक्टिवेट होकर मेलानिन रिलीज कर देते हैं। तो मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिसको स्किन की बीमारी आती है उनका मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं या फिर कुछ मात्रा में कम काम करते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन रिलीज होना बंद हो जाता है, तो उनका स्किन एकदम वाइट दिखता है। इसलिए देखिए, जो अब्रॉड में रहने वाले हैं, अमेरिका में और कई दूसरी जगह, वो लोग गोरे क्यों रहते हैं, वहां पे धूप कम रहता, धूप कम रहने की वजह से वो लोग जो बाहर निकलते हैं धूप उनके ऊपर नहीं गिरती, नहीं गिरने की वजह से मेलानोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होते, एक्टिवेट नहीं होने की वजह से मेलानिन रिलीज नहीं होगा, मेलानिन नहीं रिलीज होगा तो वो लोग गोरे रहेंगे, ठीक है। तो हर गोरों में क्या है, वैसे ही फंक्शन करेगा ऐसा जरूर नहीं है, कुछ लोग पैदाइश उनका जीन्स उस तरह रहने की वजह से वो लोग गोरे रहते हैं। उसके बाद जो सेल है लैंगरहैंस, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये हमारे इम्यून रेसिस्टेंस के सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फोर टाइप ऑफ सेल विद द डर्मिस, मर्कल सेल, ये जो स्किन के अंदर बहुत रहते हैं, ठीक है, ये अटैच करते हैं केराटिनोसाइट से, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये समझिए मर्कल सेल का काम क्या है, टच वगैरह जो भी फंक्शन है, ठीक है, ये टच को सेंसेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फोर और फाइव डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेल विद द एपिडर्मिस इज द मोस्ट रीजन ऑफ द बॉडी, द एपिडर्मिस इज अबाउट 0.1 mm थिक, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको इमेज है, इसको अगर ड्रॉ करें तो बहुत अच्छा होता है। अब इसके लेयर्स भी है, ठीक है, लेयर्स क्या है, फाइव लेयर्स है स्किन के, डर्मिस और एपिडर्मिस को कंबाइन करेंगे तो फाइव लेयर्स है। एक है स्टैटम बेसल, स्टैटम स्पाइनोसम और स्टैटम ग्रैन्यूलोसम, स्टैटम ल्यूसिडम, स्टैटम कॉर्निया, फाइव लेयर्स है। फाइव लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रहते हैं, ठीक है, अगर इसको याद कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ये आइडिया होगा कि कौन से लेयर में क्या पार्ट मौजूद है, बस इससे ये बेनिफिट है।
अब आइए देखते हैं एपिडर्मिस, हमने डिस्कस किया डर्मिस के बारे में डिस्कस कर, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि एपिडर्मिस के जो दो लेयर्स है, एपिडर्मिस में दो लेयर्स, डर्मिस में फिर तीन लेयर्स, तो ऐसा कुल मिलाकर फाइव लेयर्स हो जाते हैं आपको, ठीक है। एपिडर्मिस के तो दो लेयर्स है, ये लेयर रिलीज होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो ये लेयर ऊपर चले जाता है, फिर इसकी जगह नया लेयर आता है। तो यहाँ पे एक हार्मोन होता है जो ये हेल्प करता है, कितने, 2 से 4 हफ्ते, 15 दिन से, मैंने बताया था ना 40 दिन के दरमियान में चेंजेस आते रहते हैं। इसको हेल्प करने वाला है ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए, इसको रिलीज करने के लिए, फिर इसको नया सेल आता है, ठीक है। तो इससे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि बिस्तर को क्या करो, झटको एक मरतबा, ठीक है, रात में सोने से पहले। तो ये देखा गया साइंस में कि जब आप सोते हैं तो आप टर्न का इधर उधर उधर इधर पलटते हैं, कभी राइट करवट लेते हैं, कभी लेफ्ट करवट लेते हैं, कभी सीधा सोते हैं, कभी उल्टा भी सो जाते हैं नींद में, तो इससे क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं यहाँ पे जो रिपेयर हो रहे हैं, वो सेल्स डैमेज पूरे 40 दिन में पूरे बॉडी के एक साथ तो नहीं होंगे, कभी 15 दिन में यहाँ का होगा, कभी 15-20 दिन का यहाँ पे होगा, 40 दिन में पैरों में होंगे। तो इससे क्या होंगे, आपके सेल्स वहां से निकल कर बिस्तर पे गिरने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, अनवांटेड सेल्स। तो इससे क्या हो सकता है, आपको जब उसकी जगह नया सेल आ गया, अगर आप बिस्तर नहीं झटकेंगे तो वो सेल वहीं पर है, तो उससे आपको इन्फेक्शन या फिर उससे स्किन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सुन्नत भी है बिस्तर को झटक, ठीक है। तो अब आइए बात कर रहे हैं और डर्मिस के बारे में, ठीक है। डर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको बॉडी के कुछ सेल्स हैं, जैसा कि कुछ ग्लैंड्स भी है, नर्व्स भी है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा बाल आता है, उस बाल का जड़ भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके अंदर और चीजें क्या है, स्किन को टाइट रखना, स्किन को जोड़ के रखने के लिए कुछ लेयर्स है, वो भी है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर्स। अब देखिए कोलेजन ये फाइबर ही रहते हैं आपको जवान या फिर आपको आपकी खूबसूरती दिखाने के लिए, आपकी स्किन इतनी टाइट, इसमें शाइनिंग जो रहती है उसकी वजह ये कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जब तक हेल्दी रहते हैं झुर्रियां नहीं आते, ठीक है, स्किन एकदम टाइट होता है, वरना ढीला ढीला हो जाता है स्किन। तो कोलेजन फाइबर्स इज द मेन रीजन, ठीक है, तो ये भी याद रखना चाहिए। तो कोलेजन फाइबर से भी स्किन एकदम खुलता है, फिर अपनी जगह चले जाता है। तो कोलेजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इसके लिए मसाज करना, कोलेजन फाइबर्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, और वहां पे मसाज करना, जिससे क्या स्किन की ग्लो बढ़ती, ठीक है। तो स्किन के अंदर, अगर आपको स्किन के अंदर तक पहुंचना है, लेयर्स तक पहुंचना है, तो सेकेंड लेयर्स में जब पहुंचेंगे तो जब भी उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, स्किन का ऊपर का लेयर जो हम लगा रहे हैं, जो भी ट्यूब जो भी सोप, ये तो सुपरफिशियल ऑलरेडी, ये आपका जो स्किन है या स्किन का ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, ये निकलने वाला है 1 से 2 दिन में। तो अगर आप सोप लगाएंगे, आप कुछ और क्रीम लगाएंगे, तो 2 दिन की जगह 1 दिन में निकल जाएगा, तो आपका फेस ग्लो होगा, फिर तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जो मिलना है सेकेंड लेयर को मिलना है, फर्स्ट लेयर ऑलरेडी इज डैमेज, ओके। सो यू वांट टू गिव इनर लेयर न्यूट्रिशन, सो हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर करके इनर लेयर को एक्टिवेट करते हैं, हम क्या करते हैं, मेडिसिन अंदर से देकर इनर लेयर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ऊपर की लेयर खुद ब खुद चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये था स्किन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी था, मैंने बताया, ठीक है।
अगर कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।